हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल। तो हम कैसे सोयल को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसी के साथ ही हमने कुछ ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में डिस्कशन की थी, लाइक प्लो, हो और कल्टीवेटर, जो कि मॉडर्न टूल है। तो अभी इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट इज स्टेप टू। तो अब हमारी जो सोयल है वो प्रिपेयर हो चुकी है, राइट। अभी हमने सोयल को सो करना है, राइट, उसमें सोइंग स्टार्ट करनी है। सो सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। सो देखिए, सोइंग से पहले जो हमने सीड को बोना है, दैट इज जो भी हमें बीज चाहिए, उसकी क्वालिटी को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, राइट। अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं और बेकार बैड क्वालिटी के बीज होते हैं। तो यहाँ पर फार्मर डिसाइड करता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का ही क्लीन और हेल्दी सीड्स अपनी फसल के लिए चाहिए, सो दैट उसकी जो यील्ड है वो अच्छी हो सके। सो देखिए कैसे करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर Why some seeds float on water? So, यहां पर देखिए, पहेली ने अपनी मदर को देखा कुछ ग्राम सीड्स एक बर्तन में डालते हुए, और उसके बाद उसकी मदर ने उसके ऊपर एक पानी डाल दिया, तो उसमें से जो कुछ सीड्स थे वो फ्लोट करना स्टार्ट कर गए। सो यहां पर शी वंडर्ड कि वो सीड्स फ्लोट पानी में क्यों करे, राइट। सो यहां पर देखिए, हमें एक्टिविटी 1.1 में भी कुछ इसी टाइप का ही गिवन है। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम, राइट। सो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड देयर बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, वाई दे बी लाइटर। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। सो देखिए, यहाँ पर हमें आंसर मिला है कि जो सीड्स होते हैं वो पानी में फ्लोट क्यों करते हैं, बिकॉज वो अंदर से क्या होते हैं, होलो होते हैं, वो डैमेज होते हैं। तो जो भी डैमेज सीड्स होते हैं, अंदर से होलो होते हैं, वो पानी में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। सो ये एक मेथड है, दिस इज ए मेथड, दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो देखिए, अगर एक फार्मर मार्केट से सीड्स परचेज करता है, तो उसमें कुछ होलो सीड्स भी हो सकते हैं, कुछ डैमेज सीड्स भी हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा वे है कि डैमेज सीड्स को हम गुड वन सीड्स में से सेपरेट कर सकते हैं, उसको पानी में पोर करके। और जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, दैट मीन्स वो डैमेज हैं, जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो अच्छे सीड्स हैं। तो ऐसे एक फार्मर अपने सीड्स को, इस मेथड से भी एक फार्मर अपने सीड्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। सो बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। सो यहाँ पर बोने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ टूल्स दिए गए हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल टूल्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो यहाँ पर फिगर 1.2A में एक फनल टाइप आपको एक ट्रेडिशनल टूल दिया गया है, जिसमें से देखिए यहाँ पर दो फार्मर्स हैं और ये एक फनल के अंदर वो सीड को डाल रहे हैं, और जो द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो इसके जो एंड्स हैं वो काफी शार्प हैं और वो इस अर्थ के अंदर पायर्स किए हुए हैं, राइट। तो जैसे ही ऊपर सीड डालेंगे, वो डायरेक्ट अर्थ के अंदर जाएंगे। सो दीज एंड पायर्स इन टू द सोयल एंड प्लेस सीड्स देयर, राइट। सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, तो ये बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बीज पहले ऐसे बोया करते थे। तो अभी जैसे कि टाइम चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हमारी मशीन्स आ चुकी हैं सीड्स को बोने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर 1.2B में आपको एक मशीन दिख सकती है, दैट इज ए सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल नाउ ए डेज, दिस सीड ड्रिल फिगर 1.2B इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। तो इसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पर बीज इस मशीन से बोते हैं। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मशीन होती है, ये इक्वल डेप्थ पे और इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर सीड्स को बोती है। अगर हम डिस्टेंस को इक्वल नहीं करेंगे, ओवर क्राउडेड कर देंगे सीड्स को, तो वहां जो प्लांट, जो सीडलिंग होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, राइट। तो हमें डेप्थ भी इक्वल रखनी पड़ती है सभी सीड्स की, सो दैट हम जब पानी उसके ऊपर पोर करें, तो इक्वली इक्वली सबके पास पानी जाए और न्यूट्रिशन वैल्यू भी सबको इक्वल मिले और सभी इक्वल डिस्टेंस पे हों।
इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोयल आफ्टर सोइंग. सो इससे इस मशीन से जो सीड्स होता है वो कवर भी हो जाता है. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स सो दैट जो पक्षी हैं वो इस सीड्स को खा ना लें. सोइंग बाय यूजिंग ए स्पीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. सो देखिए अर्लियर जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें काफी ज्यादा लेबर लगती थी और काफी ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता था, बट यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो बच रहा है और जो लेबर है वो भी बच रही है. तो मशीन्स आने से टाइम एंड लेबर दोनों सेव हो रहे हैं. देयर इज ए नर्सरी. तो यहाँ पर देखिए बूजू एक क्वेश्चन पुट कर रहा है. There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? So, ये पूछ रहा है कि मेरी नर्सरी में स्कूल के पास एक नियर बाय एक नर्सरी है, तो वहां पर बुजु ने देखा कि छोटे छोटे बैग्स में प्लांट्स को रखा हुआ था. तो उन छोटे छोटे बैग्स में प्लांट्स को क्यों रखा हुआ था? तो देखिए पहेली कुछ कमेंट कर रही है इस क्वेश्चन के ऊपर. सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी. देखिए जो पैडी होती है, जो आपकी राइस की फसल होती है, चावल होते हैं, वो सबसे पहले नर्सरी में उनके बीज ग्रो किए जाते हैं. व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स जब वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, सीड्स जब सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड मैनुअली. फिर उनको मैनुअली ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड में. राइट देखिए डायरेक्ट जो पैडी होती है उसका बीज कभी भी डायरेक्ट नहीं डाला जाता, उसको सबसे पहले नर्सरी में थोड़ा सा ग्रो किया जाता है, सीड्स को सीडलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मैनुअली सीडलिंग को फील्ड्स में लगाया जाता है. सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी. तो इसी टाइप से कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, जिनको जिनके सीड्स को सबसे पहले नर्सरी में प्रॉपर उनको सीडलिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है और उनको फिर मैनुअली फील्ड्स में लगाया जाता है. सो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. तो जैसे कि पहले भी बोला है कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए हर सीड्स के बीच में. दिस इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती प्लांट्स की. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल. इससे क्या होगा, सफिशियंट सनलाइट मिलेगी. अगर ओवर क्राउडेड होंगे तो सनलाइट भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे और पानी भी नहीं प्रॉपर मिल पाएगा. सो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे ही हमें अपने प्लांट्स को सीडलिंग्स को लगाना चाहिए. एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. और कुछ प्लांट्स जो ओवर क्राउड हो रहे हैं उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए सो दैट उनकी वजह से बाकी के जो प्लांट्स हैं वो खराब ना. देखिए अब यहाँ पर हमारा जो सोइंग वाला पार्ट है वो फिनिश हो चुका है. दैट इज ये आपका स्टेप टू था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का. तो फर्स्ट वन वॉज प्रेपरेशन ऑफ सोइल, सेकेंड वन वॉज सोइंग. तो सोइंग में हमने कुछ मशीन के बारे में पढ़ा, कुछ सीड ड्रिल मशीन और हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल मशीन के बारे में थोड़ा स्टडी किया कि कैसे जो बीज को होते हैं वो हम बोते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो इस स्टेप को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.